जल्द आपके कच्चे मकान को पक्का बनाया जाएगा। ऐसी सिफारिश मैं सरकार से करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है। भागो यहाँ से, निकलो इधर, इधर चलो, जल्दी चलो, अरे भागो, भागो, संभल कर, छोटू, छोटू कहाँ? नहीं नहीं, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। जुबान लड़ाता है, दूं क्या? बहुत नाटक बढ़ गया तेरा। ज्यादा बोलेगा ना तो ठोक दूंगा, समझा? चल जा। लोग भगवान से तो नहीं डरते, लेकिन बुलेट को देखते ही डर जाते हैं। इसीलिए मैं भगवान से ज्यादा बंदूक से निकलने वाली बुलेट पर यकीन करता हूँ। तुम लोग मेरे फिक्स किए हुए टारगेट पर काम करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट तुम लोगों के साथ रहेगा। अगर तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो पुलिस तुम्हें टारगेट करेगी। शत्रु गैंग का नाम सुनते ही शहर में रहने वाले हर एक के दिल में डर पैदा होना चाहिए, खौफनाक डर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, क्या बात है यार, प्रमोशन मिल गया तुम्हें? जी सर। ये भी सही है, चार धंधे वाली लड़कियों को पकड़वा कर अखबार में फोटो डाल दो, प्रमोशन, क्या बात है। एक काम करो, माउंट रोड पर कुत्तों का आतंक जारी, हेलो, कल की ये हेडलाइन डाल दो, कुछ नया हो जाएगा लोगों के लिए। मीडिया को एंटरटेनमेंट का चैनल बना रखा है तुम लोगों ने, कभी नहीं सुधरोगे, जाओ बेवकूफ। हाय सर। हाय। हेलो सर। हेलो। अच्छा सपना। हाँ? बाहर जो होंडा सिटी खड़ी है वो तुम्हारी है? हाँ सर। किसी ने गिफ्ट किया? वो क्या है कि गुड, केडी जिलानी केस के टेप्स गायब। यहाँ पर ऐसे बेशुमार नेता हैं जिनके इलीगल कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें भी कवर करो, कुछ झोल करो, फिर होंडा सिटी क्या है, तुम तो BMW ले सकती हो। बहुत कूल। गुड मॉर्निंग सर। सर बोलिए। आजकल के अखबारों में सिर्फ हमारा अखबार ऐसा है जो डंके की चोट पर सच लिखता है, ऐसी हेडलाइंस मैंने पढ़ी। गुड, मान गया मैं। हैदराबाद में एक नया माफिया, ये उनकी तस्वीर है सर। कल के अखबार में इनके बारे में हेडलाइंस बनाइए। तुम चाहते क्या हो, इस तरह न्यूज में डालकर अपना अखबार, न्यूज चैनल सब खत्म कर दूं? उन लोगों के बारे में छापने में डर है, कुछ सोचो तो सही। आप छापेंगे या नहीं, या एक दिन मैं ही ये सारी सच्चाई पब्लिक के सामने बता दूं? इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम एंटरटेनमेंट के चार न्यूज कवर करो, उससे तुम्हारा नाम भी होगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। बोलो क्या करना है? सर, कल रात को मेरी पत्नी कह रही थी कि आप भी ऐसी न्यूज छाप कर हमारे लिए दो चार बनारसी साड़ी दिलवा दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि ऐसा करने से बेहतर है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ भेज दूं, क्योंकि जो अपना ईमान बेच सकता है वो अपनी पत्नी को भी बेच सकता हूँ, लेकिन शायद आप ऐसे नहीं सोचते सर। इसलिए जैसे चाहिए लिखिए,
क्या भाई, डर गया क्या? बहुत भारी है बंदूक, उठाने के लिए किसी को बुलाऊं क्या? भाई इससे चलेगी कि नहीं चलेगी बंदूक? हाथ में बंदूक और बंदूक में गोली होना ही काफी नहीं होता, इसे चलाने के लिए कलेजा चाहिए। चड्डी पहनने की उम्र में ही मैंने बंदूक थाम ली थी। भद्रम के प्रोफाइल में डर नाम की कोई चीज नहीं है। जंगल जंगल मारे मारे फिरना और हर जगह तो आज ये नहीं बचने वाला। ये सब के सब खून बहाने वाले लोग हैं। आज तो बंदूक लेकर खुद को शेर समझते हैं। जान से हाथ नहीं धोना है तो न्यूज पढ़ना बंद कर। मैं इंटर में अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिख रहा था। प्रेम से बढ़कर कुछ और भी है जो जंगल में ही मिलता है, ये सोचकर चला आया था। मुझे क्या पता था कि वहाँ जाकर मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। आंदोलन हमारा फर्ज है, आंदोलन हमारी जिंदगी है, आंदोलन से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, ऐसा जोश दिलाकर तुम लोग मुझे जंगल में ले आए। पेन के बदले गन दोगे ऐसा सोचा था, लेकिन मेरे हाथ में ऐसी थकेली बंदूक दे दी जो ठीक से चलती भी नहीं। दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो जान से जाओगे। भद्रा भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तो बोलता हूँ शूट कर दो इसे। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जगह मैं जेल चला जाऊंगा। भाई गांव में एक छोटे से झगड़े में मैंने मुखिया से सिर्फ इतना ही बोल दिया, देखिए मुखिया जी दांतों के लिए पेप्सोडेंट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी गांव के लिए मुखिया भी है। उसी समय इसने आकर क्या कहा पता है? देखने में तो तिली लगता है और बात करता है AK-47 चलाने की। अगर मेरे हाथ में AK-47 आ जाए तो पूरे गांव को मैं तड़ 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 करके उड़ा दूंगा। इतना जिगर तो है ही ना मेरे पास भाई, लेकिन इसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे बहुत धक्का लगा भाई। मैं सीधा साधा आदमी, लेकिन ये मुझे यहाँ ला करके रातों रात नक्सली बना दिया भाई। इसको तो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर नहीं निकाल पाता, इसलिए दिन रात अपने पर निकालता रहा। देवा आ गया भाई। पूरी बस्ती के लोग रंगों में डूबे हुए हैं और तुम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हो। होली खेलो, मस्ती करो, पूरा नवानो होली। ये जेके नारायण है, जनता के बीच न्याय और नीति दिखाने वाला एक नामचिन नेता है। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ हमारे हाथों में बंदूकें थमाई थी और इस जेके ने अपनी पॉलिटिकल पावर से हमें एक चक्रव्यूह में डाल दिया। आइए सर। जिसमें हम पूरी तरह से फंस गए। चेरी, विद्यापुर MLA की समझ में नहीं आ रहा है, वो बेवकूफी पर उतर आया है। जनता के नाम पर 10 एकड़ जमीन इकट्ठा की है, वो भी हमारे जैसा ही है। लोगों को डराकर सारे कागजात भी ले लिए, मैंने समझाया लेकिन नहीं माने। अगर ये डील होती है तो 7 करोड़, तुम्हारे 4 करोड़, साहब के 2.5 करोड़ और मेरे 50 लाख। अगर तुम राजी हो तो एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो तुम? डील डन। डील डन हो गई तो ऐसे ही चले जाओगे? उसके बारे में जानना नहीं चाहोगे? यूथ लीडर, सिटिंग MLA। गन ये नहीं देखती कि वो MLA है या नहीं, बस इसमें गोलियां होनी चाहिए। शत्रु, इसका खून बहुत गर्म है और ऐसे कामों के लिए गर्म खून की नहीं दिमाग की जरूरत होती है। गन के पास अगर दिमाग होगा तो कभी नहीं चलेगी। कैसा बेटा? हाँ। चाहिए आपको? चाहिए? शत्रु, ये ले बेटा। मेरे घर वही आता है जिसकी कोई मजबूरी होती है या तो लायकमंद होता है। यही वजह है कि तुम यहां अंदर तक आ सके। काम बोलो। शत्रु भाई ने लैंड पेपर मांगे। अपना परसेंटेज बताओ, चाहे तो फोन पे शत्रु से बात कर लो। ए, कौन है शत्रु? जंगल से भागे हुए जानवर हो तुम सब, तुम सबको शूट कर दूंगा मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? जिससे दुनिया डरती है उसे धमकी देगा? प्यारा बेटा, हमारे साथ चलोगे? हमारे पास बहुत खिलौने हैं, AK-47 भी। वैसे हमारा घर जंगल जैसा है, वहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम उनके साथ खेल सकते हैं। बोलो छोटू, चलोगे ना? शत्रु ने कह दिया तो मैं लेकर ही जाता हूँ, फिर चाहे वो पेपर हो या फिर जान।